हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम हैं दानपुर के एक छोटे से गांव समडर में। कल रात बड़ी मुश्किलों के बाद हम पहुंचे थे 7 बजे। अंधेरा होने वाला था और जैसे ही मेरा फ़ोन ऑफ हुआ ना, उसके बाद तो मतलब जो मैंने वीडियो में दिखाया उस रियल, तो उसके बाद स्टार्ट हुआ इतना खतरनाक वाला रास्ता, ऐसी रोड। और मतलब पैर तो ऐसे हो गए ना, घुटने के नीचे तो ऐसा हो रहा था, पता नहीं अलग ही हो गए होंगे, अपने आप फोल्ड हो रहे थे, चला भी नहीं जा रहा था। ये वाला गांव तो बहुत अच्छा है। दानपुर वालों के घर बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बट इनका एक प्रॉब्लम है, बट इन्होंने इतनी ज़्यादा क्यों खिड़की बना रखी है। जो भी घर में देखो इतनी ज़्यादा खिड़की, ये वाले घर में भी सारी खिड़की बना रखी, आगे पीछे खिड़की और दरवाजे बना रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे गढ़वाल में इतने खिड़की नहीं बनाते। कैसा लग रहा है तेरे को ससुराल आके काम करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हो सकता है यहाँ पे ठंडा कम होगा, इसीलिए हम लोग इतना खिड़की नहीं। मेरे को तो यहाँ के घर इतने ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। पत्थरों की तो कोई कमी है ही नहीं, पूरे पत्थर ही पत्थर। मतलब अगर कभी गलती से भी मेरी शादी हो गई ना इधर, मैं तो कैसे रहूंगी, रह नहीं पाऊंगी, भाग जाऊंगी सीरियसली। ऐसी जगह इतना दूर जाकर कोई कौवा भी नहीं आता होगा हमारे इधर से। बट हमारे गांव से 3-4 लोगों की शादी हुई है और मैं सोचती हूँ वो लोग कैसे रहते होंगे। मैं तो सच में जो ये नदी आ रही है ना, शंभू नदी, बहुत बड़ी नदी, मैं उसमें कूद मार देती अगर मेरे को यहाँ रहना पड़ेगा तो। कल हम आए थे जहाँ पे ये बादल दिख रहे इधर से, पता नहीं इतना दूर, और मैं सोच रही हूँ ना ये लोग कैसे रहते होंगे इधर। पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, इतने खड़े खड़े पहाड़। और ये रहा यहाँ का स्कूल, और इधर राजमा की खेती, अखरोट के पेड़। अब तुम दो बताओ, तुमको यहाँ कैसा लग रहा है? तेरा तो ससुराल है, तेरे को तो लड़की यही मिलनी थी, तेरे को लड़की। कितने बार आए थे शादी के बाद? ये तीसरी बार ना। और तेरे को कैसा लग रहा? अभी तो अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे ना नेटवर्क है ना रोड है, रोड बनी है। बट कल ना हम रोड में आए, फिर हम 2 किलोमीटर ऐसे पैदल आ गए, बाद में नदी आई, तब मेरे को पता लग रहा कि जहाँ से हम चल रहे थे ना वो रोड थी। मेरे को ऐसा लगा था वो जंगल होगा, इतनी बड़ी घास हो रखी थी उसके ऊपर। गोरी हाँ, यहाँ सातो तो वहाँ सात हाँ। यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं है, बस ये क्या बोलते हैं इसका, वॉकी टॉकी। इसका नाम कितना अच्छा है ना, वॉकी टॉकी, इसी से बात करते। कितना किलोमीटर चलता है? 6 किलोमीटर शायद बस। घर तो बहुत अच्छे हैं यार, ये कितनी क्यूट है एक लड़की। आई चला, इसको शर्म आ रही है, यहाँ के बच्चे कितने क्यूट है यार, इनका शर्म आ रही है, ये देखो। और ये यहाँ पे क्या नाम है, ज्योति। और ये स्कूल कहाँ जाती है पता नहीं, इतना दूर। और ये 6 में पढ़ती है, 6 में ना। और पैदल जाते हैं लोग यहाँ से जंगलों के रास्ते बहुत ज़्यादा दूर। और इनके स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, जूनियर स्कूल में 5 बच्चे हैं ना बस। यहाँ पे बस 14 फैमिली रहती है। इतना छोटा सा गांव है, घर बहुत ज़्यादा सुंदर है, सारे घर में घर में खिड़की ज़्यादा है, इतनी खिड़की बना रखी है। और नीचे बहुत बड़ी नदी आ रही है, उधर से रोड भी आने लग गई, बट रोड ऐसा कर रखा है मतलब पूरा करना है, इसमें ना गाड़ी चल रही है ना कुछ चल रही है, ना उबड़ खबड़। ये देखो ये लड़की यहाँ आके ना आलू के गुटके बना रही है, अब देखते हैं ये कैसा बनाती है। और ये रही हमारी मौसी। तो
कल रुके थे हम ये वाले गांव में और ये लोग बिल्कुल हिमालय में रहते हैं। ये रहा इनका हिमालय, यहाँ पे बर्फ गिरी है, इतना नज़दीक बिल्कुल हिमालय के पास। हम लोग आए थे इधर से, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर इधर रोड में इतनी खतरनाक रोड। चलो यहाँ से हमारा हिमालय दिख रहा है, ये वाला गढ़वाल का हिमालय जो हमारे वहां से दिखता है इतना दूर। और इधर रोड है, हमको यहाँ से ऊपर और चढ़ाई चढ़नी है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई, ऐसा उल्टी जैसा मन हो रहा बार बार, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और हम चले जा रहे हैं 3-4 घंटे से। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये जब चिपकता है ना आता भी नहीं है। रास्ता भी तक खतरनाक है, फोन पकड़ा ही नहीं जा रहा। मुझे ना खुद पर भरोसा नहीं हो रहा, हम ये पहाड़ इतना चढ़ के आए, जो ये बादल दिख रहे हैं इसके पीछे पता नहीं कितना दूर से, इधर से आए थे, इधर से यहाँ यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, कहाँ कहाँ घूम के आ गए। कैसे जाएंगे, यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। अरे यार तक खतरनाक, ऊपर से पत्थर गिरने का इतना डर लग रहा है। इनकर कैसे बन पाएगी इनके वहाँ रोड, 20 साल तक तो मुश्किल है रोड बनना। यहाँ देखो चाचले लगाने का मन तो बहुत है, बट क्या करें पैरों में इतना दर्द हो रहा। धनपुर आके हम बिना चाचले लगाए हुए जाते हैं। फाइनली पूजा खत्म हो गई, अब हम चलते हैं अपने घर। ये हमको मिल गया प्रसाद, इसको लेके जा रहे हैं हम अपने घर। अब जा रहे हैं हम अपने वहाँ। बाय प्रिया, तू भी आ जाना हमारे वहाँ। नहीं आजा, आ जा तो। इतनी क्यूट है ना। और ये दादाजी फाइनली हम जाने लग गए अपने घर। कितने दिन में? 5 दिन में मिठाई लगा के, हमको मिठाई भी लग गई इतने। और ये यहाँ का स्कूल, मतलब रेखा चाची का स्कूल, यहाँ पे तो अच्छी जगह है। धूप भी आने लग गई,
ये कौन सा हिमालय आ गया कल हम यहाँ से हम जा रहे गाड़ी से हेलो रेखा दीदी आपके लिए रेखा चाची के लिए मिठाई उनके मायके से बाय बाय कह दो थोड़ा कितने प्यारे लोग हैं यहाँ के।